हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर स्लीव्स लेकर आए हैं। इस डिज़ाइनर स्लीव्स को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो तरह का कपड़ा यूज़ करने वाले हैं। एक तो हम जिसमें अपनी स्लीव्स बनाएंगे, दूसरा एक मैचिंग कपड़ा जो कि हम इसमें डिज़ाइन बनाने के यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें, इस डिज़ाइन वाली स्लीव्स को बनाने के लिए आपका कितना कपड़ा लगने वाला है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपका जो कपड़ा लगने वाला है, टोटल 1 मीटर लगने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ये अस्तीम कैसे कटेगी और इसके लिए हमने कितना कितना कपड़ा लिया हुआ है। तो एक कपड़ा जो हमने लिया है दोस्तों, 14 इंच लंबा और 25 इंच चौड़ा लिया हुआ है। इसके बाद दूसरा कपड़ा जो हमने लिया है वो इस तरीके से लिया है कि फोल्ड करने पर हमारी ऊपर की अस्तीन आसानी से निकल आए। अब हम इसको बिछाने का तरीका आपको बताएंगे, ध्यान से देखना। तो दोस्तों, कपड़ा बिछाने से पहले हम आपको एक ज़रूरी मैसेज दे देते हैं। दोस्तों, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। ये वेबसाइट दोस्तों हमारे रूप सर ने अभी अभी लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस या फिर अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि ड्रेस के बारे में कि कौन सी ड्रेस उन्होंने कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर करें। तो हमने अपना आस्तीन का कपड़ा बिछाने के लिए सबसे पहले बड़े वाले कपड़े को बिछाना है। इसके बाद हम अपने छोटे वाले कपड़े को बिछाएंगे इस तरीके से, आधा इंच नीचे वाले कपड़े के ऊपर रखते हुए। तो कपड़ा बिछाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारी आस्तीन की जो लंबाई तैयार है वो है 22 इंच। आपकी आस्तीन की लंबाई चाहे कितनी भी हो, आपको लंबाई में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना होगा, 1 इंच ऊपर वाले कपड़े में और 1 इंच नीचे वाले कपड़े में। उसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मली अपनी आस्तीन की मार्किंग कर लेनी होगी, जिस तरीके से सिंपल की होती है। तो दोस्तों, ये हमने अपनी नॉर्मल आस्तीन की मार्किंग कर ली है। इसके बाद इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ऊपर से हम सेम गोलाई जो हमने निशान लगाए हैं कटिंग करेंगे। तो ये हमने अपनी गोलाई कट कर ली है। इसके बाद हम अपने नीचे वाले कपड़े को इस तरीके से यहाँ से हटा देंगे। हमने नीचे वाले कपड़े को रखकर इसलिए मार्किंग की थी ताकि हमारी यहाँ की जो गोलाई है वो फिक्स आ जाए। अब हम यहाँ से अपनी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी ऊपर वाली आस्तीन की कटिंग हो गई है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको दोबारा से अपने कपड़े को यहाँ पर सेट करना है। तो ये हमने अपने कपड़े को सेट कर लिया है दोबारा से। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसकी गोलाई देनी है इस तरीके से और यहाँ लाकर मिलाना है। तो कैसे गोलाई देंगे, बिल्कुल इस तरीके से देंगे जैसे हम दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब हम यहाँ से सेम कटिंग करेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर आकर बिल्कुल अपने निशान से इस तरीके से यहाँ पर लाकर, ये जो हमने मार्जिन छोड़ा है यहाँ पर लाकर मिला देंगे। निशान पर आपको यहाँ से कटिंग नहीं करनी, बल्कि यहाँ से आपको अपनी गोलाई से सेम ये गोलाई जो निशान लगा ये करना है और बाहर की तरफ इतना मार्जिन देते हुए कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कुछ फ्रिल भी यूज़ करेंगे मैचिंग कपड़े में, तो उसको बताएंगे हम कैसे कटेगी। तो दोस्तों, गैदर्स वाली फ्रिल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने नीचे वाले पोर्शन को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ से हम अपने पूरे पैटर्न की जो गोलाई है इसको नाप लेंगे इस तरीके से। देखिए, तो पूरी लंबाई हमारी दोस्तों यहाँ पर है 52 इंच। तो 52 इंच का डबल करके हम अपनी 2.5 इंच चौड़ी एक सीधी पट्टी काट लेंगे मैचिंग कपड़े में। तो दोस्तों, ये हमने अपनी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। अब हम इसकी एक साइड पर पीको कर लेंगे सेम कलर के धागे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पूरी 104 इंच वाली पट्टी पर पीको कर ली है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम इसमें अपनी गैदर्स डालेंगे। तो गैदर्स किस प्रकार से डालेंगे, ध्यान से देखना। मशीन के नीचे इस तरीके से कपड़े को रखेंगे आधा इंच इधर की तरफ निकालते हुए,
और इस प्रकार से अपनी गैदर्स डालेंगे। देखिए तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी पूरी पट्टी पर गैदर्स डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पूरी पट्टी पर गैदर्स डाल ली हैं। इसके बाद हम अपनी गैदर्स वाली पट्टी को आस्तीन के नीचे वाले पार्ट पर अटैच करेंगे। इसके लिए हमें अपने इस वाले पार्ट को इस तरीके से खोलना होगा और खोलने के बाद में ध्यान दीजिए दोस्तों सीधा भाग ऊपर की तरफ है। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और रखने के बाद में जितना मार्जिन हमने गैदर्स डालने के लिए लिया हुआ है उतना ही सेम मार्जिन लेते हुए पूरी गोलाई में अपनी पट्टी को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी गैदर्स वाली पट्टी को पूरी राउंडिंग में जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप मार्जिन देख रहे हैं इस मार्जिन पे पहले तो इंटरलॉक कर लेंगे और इंटरलॉक करने के बाद में इस मार्जिन को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इस पर हल्की हल्की हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है ये यहाँ से और यहाँ तक इसको इस तरीके से मिलाना है आपस में और मिलाने के बाद में इसके बीच सेंटर में एक इस तरीके से कट लगा लेना है। तो ये हमने अपने 20 सेंटर में एक कट लगा दिया है। इसके बाद आपको लेनी होगी इसके ऊपर वाली आस्तीन। इस आस्तीन की आप गोलाई नापें निशान तक कितनी आ रही है, तो इसकी जो गोलाई आ रही है वो आ रही है 6 इंच, मतलब कि 6 इंच का डबल हो गया 12 इंच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 इंच अपने इस वाले कट से यहाँ तक नापेंगे और यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे इस तरीके से और ऐसे ही 6 इंच इधर नापेंगे और कट लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट लगाया इस कट को इस तरीके से यहाँ पर कट से कट मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए और फिर इस वाले कट को बीच वाले सेंटर से जो कट हमने लगाया हुआ है तीनों कट हमारे आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे। ये देखिए ये हमने अपने तीनों कट आपस में एक दूसरे से मिला दिए हैं और मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम छोड़ देंगे। जो नीचे वाला कट है 20 सेंटर वाला जो कट है उसको नीचे छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर वाले को दोनों को एक दूसरे से सिलाई करके अटैच कर देंगे। ये कट आपके आपस में मिलने चाहिए ऊपर वाले भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट से कट मिलाकर इनको एक दूसरे से अटैच कर दिया है और ये हमारी पूरी गोलाई इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ऊपर वाली आस्तीन लेंगे ये वाली और जो ये मार्जिन का हमारा निशान लगा है इस पे सेम सिलाई हम लगा देंगे। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है, इसके बाद हम अपनी इस आस्तीन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपनी आस्तीन को और नीचे वाले पैटर्न को दोनों को ही सीधा कर लिया है। इसके बाद हम अपने पैटर्न को आस्तीन में अटैच करेंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना। तो हम अटैच करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो अपने पैटर्न में 20 सेंटर वाला कट लगाया था उस कट को आस्तीन के जॉइंट से मिलाएंगे इस तरीके से और मिलाने के बाद में हम अपने नीचे वाले पैटर्न को पूरा इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस तरीके से। ये देखिए चढ़ाने के बाद में देखिए यहाँ पर हमारी जो गोलाई है बिल्कुल फिक्स आ रही है। अब हम इसको एक पैर की सिलाई से मतलब कि 1/2 इंच के मार्जिन से अटैच कर देंगे। दोस्तों हमारी आस्तीन का जो मार्जिन है इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बार पलटी लगा देंगे। ये देखिए तो दोस्तों ये हमने अपनी पूरी गोलाई पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी आस्तीन को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में हमारी आस्तीन का जो ये जॉइंट देख रहे हैं इस जॉइंट पर हम अपनी गैदर्स वाली एक फ्रील और लगाएंगे जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच और लंबाई हम रखेंगे हमारी आस्तीन की जितनी भी गोलाई है मतलब कि 12 इंच। 12 इंच का डबल हो गया 24 इंच और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मतलब कि 25 इंच। तो उसकी दोनों साइड पर हम अपनी पीको कर लेंगे। तो ये हमने अपनी पट्टी एक ले ली है जिसपे हमने दोनों साइड पर पीको कर ली है और इसकी लंबाई हमारी पूरी 25 इंच है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से 20 सेंटर में गैदर्स डालेंगे। तो कैसे गैदर्स डालेंगे बताते हैं।
गैदर्स जो डालेंगे बिल्कुल बीच सेंटर में डालेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर अपनी बीच सेंटर में सिलाई चलाएंगे और दोनों उंगलियों से इस तरीके से गैदर्स डालेंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी गैदर्स बना करके तैयार कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीच में से आधा आधा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में क्या करेंगे, हमारी आस्तीन की जो गोलाई है वो एक तरफ से 6 इंच है, तो इसको हमने पट्टी को अपनी डबल कर लिया है, तो यहाँ पर हम अपना सीधा सीधा 6 इंच पर मार्क लगा लेंगे इस तरीके से और इसको बंद कर देंगे इसी तरीके से। और इसका मार्जिन जो है थोड़ा कम कर देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, तो सीधा करने के बाद में देखिए दोस्तों ये बिल्कुल एकदम इस तरीके से गोल हो चुका है। अब हम इसको अपनी आस्तीन में अटैच करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करके इसके अंदर डालेंगे और जो ये हमारा जो गैदर्स वाली पट्टी है इसका जो सेंटर पॉइंट वाला जॉइंट है, इस जॉइंट को हम अपनी आस्तीन के जॉइंट से मिलाकर रखेंगे। तो ये हमारी आस्तीन का जॉइंट और इसका जॉइंट बिल्कुल आपस में एक दूसरे से मिला दिए जाएंगे। इसको दोस्तों थोड़ा आराम से लगाना हो क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। तो यहाँ से हम अपनी आस्तीन को इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद में हम अपनी मशीन के नीचे डालेंगे। अब आपकी आस्तीन का जॉइंट और ये जो फ्रील की बीच वाली सिलाई है दोनों एक दूसरे से मिलकर सिलाई से अटैच होने चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी फ्रील अटैच हो गई है। इसके बाद हम यहाँ से अपनी मशीन को निकाल लेंगे और जो फालतू के धागे हैं पहले इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और अब देखिए हमारी आस्तीन का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है दोस्तों। अब हम इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रेस लगाने के बाद में हमारी आस्तीन का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ गया है और पहनने के बाद में दोस्तों लुक जो है कुछ इस तरीके से आएगा। आपको हमारा आज का ये आस्तीन का डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फ़ोटो डालते रहते हैं, वहाँ से कोई भी अच्छा सा फ़ोटो आप अपने लिए चॉइस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।